आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, 400 बार, 400 बार, हाँ, आपकी बार 400 बार, सब बोलो, आपकी बार 400 बार, आज नहीं आई है, आपकी बार 400 बार, आपकी बार 400 बार, आपकी बार 400 बार। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को जिताने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता मैदानी सतर में उतर चुका है। वही भाजपा का हर कार्यकर्ता जहां डोर टू डोर अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो आज फिरोजपुर झिरका विधानसभा के दर्जनों गाँव में भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष गोल्डी शर्मा द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए महिलाओं की गाँव गाँव जाकर मीटिंग ली गई तथा मीटिंग में भाजपा की कल्याणकारी नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक महिलाओं को समझाया गया। वही गोल्डी शर्मा ने सभी महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सबका विकास संभव है। वही उन्होंने कहा कि आगामी 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल के फूल का बटन दबाकर गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे। उन्होंने कहा कि मोदी जी का इस बार संकल्प पत्र लेकर 400 पार का जो नारा दिया है वो सच साबित होगा। वही उन्होंने मेवात के प्रति सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मेवात की जनता इस बार कमल को अपनाने जा रही है तथा राव इंद्रजीत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में कमल का फूल डालने जा रही है। वही उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से राव इंद्रजीत सिंह की जीत होगी। गांव में प्रोग्राम किया गया है और क्या प्रोग्राम आप लोगों द्वारा क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नमस्कार, मैं गोल्डी शर्मा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। आज हम आए हैं खेड़ा गांव में जहां हम अपनी बहनों से मिले हैं। यहां हमने सर्वे करी है तो यहां जितनी भी हमारी बहनें हमारे साथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इनसे हमने जानकारी करी कि आपको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या योजनाएं सरकार से मिली हैं, जो उन्होंने बताया है, जैसे गैस चूल्ही की है, आयुष्मान कार्ड की है। वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो हमने आगे बढ़ाया है और इतनी सारी हमें स्कीम दे रही है। मैडम, आप घर घर जा रही हैं तो किस तरीके का माहौल आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जैसे कि सर, अब हम जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं तो सारा माहौल पूरा 100% हमें बीजेपी की तरफ दिखा। तो क्या लगता है आपको 400 पार नारा सच साबित होगा? हाँ, बिल्कुल होगा जी। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं जो कुछ समस्याएं भी बता रही हैं, वो बता रही थी कि भाई उनको पर्याप्त सुविधाएं नाम नहीं मिली हैं, तो इस कार्यक्रम का क्या नाम आपने दिया है, क्या कहें हम इस कार्यक्रम से? कि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, जैसे कोई ना फॉर्म भर रखे हैं, वो कह रही थी तो किसी की क्या है कि आधार कार्ड में नाम मिस्टेक हो रहा है, इस तरह से थोड़ी अड़चन आ रही है और इनका हम पूरा वो है कि अब इनका पूरा करवा देंगे जैसे ही। अच्छा, पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया है, मैं वो जानना आपसे चाह रहा हूँ भाई, क्या नाम? जैसे मेरा बूथ, जैसे हाँ, पार्टी ये बूथ पर हमारे घर घर अभियान मोदी जी का प्रचार, राव इंद्रजीत आएंगे अबकी बार। हमारे जो भी गांव हमारा खेड़ला कला है, जिसमें हमारी ये बीजेपी सरकार ने जो भी सुविधा दी है हम इसी के साथ हैं और इसी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारे कुछ महिलाएं किसी कारण आगने न हो पाई तो हमारे बीजेपी पार्टी की तरफ से आगे आई है महिला, तो हमें जो मोदी जी ने जो स्कीम दी है हम उसी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था।